वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज की इस वीडियो में पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है जब स्पेस क्रिएट करते हैं यानी कि डोर्स या विंडोज़ के हवाले से, तो उनके अंदर जो है आपने डोर्स या विंडोज़ किस तरह से अप्लाई करनी है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम क्रिएट पे आते हैं। क्रिएट पे आने के बाद आप यहाँ पर बॉटम में आएंगे, जैसे कि ये डोर्स की जो है हमारे पास अलग से कैटेगरी ऐड हो रही है, तो यहाँ पर ये सारे डोर्स पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ देखते हैं प्यूट डोर है, जैसे ये हमने लिया और इसे एक्सट्रूड कर लिया। हाइट यहाँ पे दे देते हैं, जैसे हमारे पास थी यहाँ पे 7 फीट। देन विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, जो थी हमारे पास 3 फीट 6 इंच जैसे। और उसके बाद जो डेप्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है कितनी है और डोर किस तरह से लेना है, यानी कि अगर हम डोर को यहाँ चेक करते हैं कि डोर किस टाइप का, तो बॉटम में जो है यहाँ पर ओपन की कमांड है, तो आप यहाँ पर जो है डोर को ओपन करके देख सकते हैं। अगर डबल आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल डोर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये डबल डोर था। या अगर आपने सिंगल लेना है तो यहाँ पे जो है आप अनचेक कर दें, ये सिंगल डोर आ जाएगा। और इसी के बाद जो है अब इसे यहाँ साइड भी करते हैं, एक और डोर क्रिएट करते हैं, इसे चेक करते हैं कि जैसे कि ये जो था हमारे पास, हाइट अगेन वही लेते हैं और साथ में जो है यहाँ पर विड्थ हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि 3 फीट 6 इंच। और उसका डेप्थ जो है जैसे वही 6 इंचेस। और दोबारा अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये भी कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये स्लाइडर डोर की तरह जो है, बल्कि ये दूसरा डोर है कुछ इस तरह का। अगर आप डबल डोर करना चाहते हैं तो ये डबल डोर में भी कुछ इस तरह से शो हो जाता है। इसी के साथ जो है मज़ीद आप स्लाइडर डोर लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, और हाइट वही दोबारा लेते हैं जैसे कि ये था, और उसके बाद जो है विड्थ यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास थी 3 फीट 6 इंच। और डेप्थ जो है हमारे पास यहाँ पे थी जैसे कि 6 इंच। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिल्प डोर, ये वैसे आप लेना चाहते हैं तो ये जो है कुछ स्लाइडर डोर हमारे पास आ रहा है। जैसे कि अगर डबल करना चाहें तो ये जो है डबल कुछ इस तरह से होगा। और बैक या फ्रंट की तरफ या फिल्प आउट की तरफ करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी डोर को जो है हम मेन पे लेके आते हैं, यानी कि आपने जो है मेन गेट पे लगाना है। अक्सर जो है आजकल लेटेस्ट लग रहे हैं वो स्लाइडर डोर भी लग रहे हैं, तो इसे फ़िलहाल हम स्लाइडर डोर के ज़रिए जो है हम मेन गेट पे लेके आते हैं स्लाइडर के तौर पर। जैसा कि यहाँ पे जो है हम इसे रोटेट करते हैं, देन यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद जो है आपने यहाँ पर इसे पकड़ना है, मूव करें, यहाँ पे लेके आ गए। देन आप मॉडिफाई पे आ जाएँ, मॉडिफाई में आने के बाद जो है आप यहाँ जो है इसकी विड्थ जो है कुछ इस तरह से डालेंगे। देन आप दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप जो है अगर इसे ओपन करना चाहें या वैसे कुछ देखना चाहें तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से यानी कि ये क्रिएट होगा। और आउटर या इनर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये था हमारे पास कुछ इस तरह से। वैसे जो है यहाँ पे हम एक्चुअली डबल डोर क्रिएट कर सकते हैं कि जब गाड़ी आए तो ये आपका डोर कंप्लीट खुले, वो भी लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक डोर इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है अब सेकंड की तरफ आते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया और इसे जो है हम रोटेट कर देते हैं, जैसे ये था हमारे पास। और यहाँ पर रोटेट करने के बाद सेलेक्ट करें, ये जो है हम इसे यहाँ पे मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे था हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। और ये करने के बाद जो है शिफ्ट का बटन दबाएं, मज़ीद इसको जो है आप यहाँ पे आगे लेके आ जाते हैं, जैसे कि ये था। मज़ीद यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, आप कंट्रोल का बटन दबा के जो है दोनों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है शिफ्ट के साथ हम इनकी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद जो है आप यहाँ पे सिंगल को एक को लें और यहाँ पे लेके आ जाएँ, जैसा कि ये जो था हमारे पास कुछ इस तरफ से आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पे अगर आप लेके आते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये था कुछ इस तरफ आ जाएगा। शिफ्ट के साथ जो है इसकी हम एक कॉपी बना के यहाँ पर लगा देते हैं, देन ऑल डब्ल्यू करते हैं। और जैसे ही आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये डोर्स हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। इन्हीं के अंदर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डोर आ चुका है। अगर आप यहाँ पे डबल डोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल डोर के तौर पर ले सकते हैं इनको। और इन्हीं को जो है
हम ऊपर की तरफ अगर मूव करते हैं तो वो किस तरह से होगा कि आपने शिफ्ट का बटन कंट्रोल का बटन दबा के जो है तमाम डोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये जो थे हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे और दोबारा हम मेन पे आते हैं, यहाँ पे फ्रंट व्यू में आते हैं, शिफ्ट का बटन दबाया और यहाँ पे जो है इसे हम लगा देते हैं दोबारा से, फिर ओके करते हैं ऑल डब्ल्यू। ऑल डब्ल्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डोर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और अगर आप विंडोज़ अप्लाई करना चाहते हैं इन्हीं के अंदर, तो आपने जो है दोबारा से मॉडिफाई यहाँ पे आना है क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद आप आएंगे विंडोज़ में और यहाँ पे जो है हमारे पास विंडोज़ आ रही हैं, जैसे कि ये जो थी हमारे पास यहाँ विंडोज़ आ रही हैं और विंडोज़ की भी टाइप यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाई हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 फीट की थी ये एंड 4 फीट यहाँ पे ये था। डेप्थ इसके कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास 6 इंच। देन अब यहाँ पे अगर आप इसे चेक करना चाहें, जैसे कि आप बॉटम में आ जाए तो यहाँ पे थिकनेस है या बाकी चीज़ें जो है वो सारी इसकी आ रही, पैनल्स है, विड्थ है, हाइट है। इसी तरह जो है डोर्स की डिज़ाइनिंग भी इसी के अंदर होती है। जैसे अब यहाँ पे ये जो थी हमारे पास विंडो एक इस टाइप की है, दूसरी जो है अगर हम यहाँ पर आ जाएँ और इसमें ड्रैग करें तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी। यानी कि सारी जो है हमारे पास यहाँ पर विंडोज़ की टाइप होती हैं ऑलरेडी, कि अगर आप यहाँ पे जो है इनको ओपन करें या वैसे लगाना चाहें तो वो यहाँ पे शो होती है। अब इसी में यहाँ पे जैसे आ गए कि हमें 4 फुट की ये चाहिए थी, देन 4 फीट हमारे पास ये वाली थी और उसके साथ जो डेप्थ थी हमारे पास वो यहाँ पे 6 इंच वाली थी। और इसी के साथ जो है अब हम इन्हें अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारी जो विंडोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं और इनको बॉटम की तरफ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे ये 1 2 है, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और अगर इसे आप चेंज करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे जो था हमारे पास ये है स्लाइड्स है या बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसे फ्री करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई पर आते हैं और यहाँ बॉटम में आ जाएँ तो ये सारी चीज़ें इसकी भी यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी फ़िलहाल हम एक विंडो यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये जो है हमारे पास विंडो कुछ यहाँ पे है, हम इसे यहाँ से मूव करते हैं। मूव करने के बाद जो है आप इसे यहाँ पे रोटेट कर लें, जैसे यहाँ पे जो है हम इसे रोटेट कर लेते हैं, जैसे जो है ये आ जाएगी हमारे पास रोटेशन। देन आप इसमें क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसी तरह से जो है, जैसे यहाँ पे था हमारे पास ये। अब इसकी जो है विड्थ आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं विंडोज़ की, जैसे ये कम हो चुकी है, शिफ्ट का बटन दबाया यहाँ से ले गए हम इसे आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे ये था। और ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ इन्हें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की से इसकी कॉपी क्रिएट कर लें, जैसे कि यहाँ पर ये है, और इसे बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो है आपने इसे मूव करके यहाँ पे लगा दी, जैसे यहाँ पे विंडोज़ थी। हम चेक करते हैं कि यहाँ पे विंडोज़ बाकी है या, जैसे कि ये है ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास विंडो नहीं थी तो हमारी विंडो जो है यहाँ पे लेफ्ट में लगी हुई है। हम इसे यहाँ से मूव कर लेते हैं और मूव करने के बाद जो है रोटेट, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसे रोटेट कर देते हैं, जैसा कि हमारे पास ये आ चुकी है और इसे हम यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे। देन इसको जो है थोड़ा सा आपने आपकी तरफ भी मूव करना है, जैसे हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं ये, और यहाँ पे लाने के बाद जो है आप इसे यहाँ से थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और इसको जो है यहाँ पे आपने एडजस्ट करना होता है, जैसे कि ये हमारे पास है एंड यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरह अदर साइड पे जाते हैं हम यहाँ पे, अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएं, आप दूसरी साइड पे आ जाएँ और दूसरी साइड में आने के बाद जो है आपने यहाँ पे और रोटेट की कमांड लगानी है। हम इसे यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास रोटेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद जो है जैसे कि आप यहाँ पर ये था इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आगे की तरफ लेके आ देते हैं, जैसे ये था हमारे पास। और मज़ीद जो है हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं
और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद आपने जो है इसे मूव करना है आपकी तरफ, शिफ्ट का बटन दबाएं देन आपकी तरफ मूव कर लें और ओके करने थी। यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से आ रही है, जैसे कि ये अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अब बाकी अगर हम विंडोज़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर अप्लाई की हुई है तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं, आपकी तरफ लेके आते हैं, जैसे कि हम बॉटम में आते हैं और विंडोज़ देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास विंडोज़ बॉटम है, इस बॉटम वाली विंडो को आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे है। एंड हम यहाँ दोबारा से चेक कर लेते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपने विंडोज़ अप्लाई की होंगी उन्हें आपने सेलेक्ट करना है। अब ऑलरेडी विंडो जो है यहाँ पे हम बॉटम में चेक करते हैं तो यहाँ पड़ी है हमारे पास, जैसे कि यहाँ जूम वन विंडो ये थी एंड जूम कंट्रोल के साथ सेलेक्टेड। एंड दोबारा से जो है इसे आप यहाँ से कॉपी करें जैसे ऊपर ले गए, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसे हम मूव कर देते हैं। मूव करने के बाद जो है आपने दोबारा है आना है ऑल डब्ल्यू देन यहाँ पे चेक करें तो ये कुछ इस तरह से आ रहेंगी, और इसी को जो है आपने ऑल डब्ल्यू का इस्तेमाल करके शिफ्ट की कॉपी दबा के बटन दबा के यहाँ पे जो है मज़ीद इसकी कॉपीज क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि ये हमारे पास कॉपीज क्रिएट हो चुकी हैं, आप ओके कर ऑल डब्ल्यू कर दें और यहाँ पे आके अगर चेक करें तो ये विंडोज़ या डोर्स जो है इसके अंदर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे आप इस डोर के बजाय कोई अदर डोर लगाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो है स्लाइडर डोर लगाना चाहते हैं, सॉरी दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पिवट डोर था, आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, वही मेथड है। दोबारा आप उसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ उसकी कॉपी बना ली, कॉपी क्रिएट करने के बाद जो है आप ऑल डब्ल्यू कर लेते हैं और यहाँ पे जो है आपने इसे मूव करना है, जैसे कि ये जो था हमारे पास ये कुछ आ जाएगा, और इसका जो डिफ्ट है वो हम 4.5 कर लेते हैं, कम कर लेते हैं जैसे कि ये, और इसको यहाँ पे लाने के बाद जो है आप इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें जैसे ये है, या अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे जो थी हमारे पास विड्थ इसकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। और ये करने के बाद जो है अब अगर टॉप में जाते हैं और वन मिनट यहाँ पे जो है हम इसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, ऑल डब्ल्यू करते हैं और यहाँ पे आगे अगर आप चेक करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि जब भी आप इसमें डोर्स या विंडोज़ क्रिएट करते हैं तो उसे शो आपने। तो ये थी हमारी आज की विंडो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।